लें ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के स्टेक होल्डर से सुझाव। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नदियों के पानी के उपयोग के लिए तैयार करें रिजर्व वाटर। जीआईएस 2023 में उत्तर प्रदेश को मिले हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बड़े निवेश प्रस्ताव। खबर प्रतापगढ़ से है, रफ्तार का कहर बरपाए बेकाबू कार ने चार लोगों को रौंदा, एक की मौत हो गई है, तीन घायल हैं। कार ने ठेले को भी टक्कर मारी है। पतनपुरा के सुवनशाह बाजार की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लोरपुर के पास हुआ है। बलिया में छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग है। मामला करमर गांव का है। 29 अगस्त को घर के बाहर सोए छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे मामूली कहासुनी को वजह बताया जा रहा है। जानकारी यह प्राप्त हुई कि एक विशाल राजभर नामक युवक है, जो कि शिवरामपुर थाना बांसडीह का रहने वाला है। उक्त युवक का मृतक के साथ 23/8/23 को बड़गांव मेले में कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद से गुस्से में आकर के विशाल राजभर ने मृतक के ही गांव के रहने वाले अपने एक मित्र के साथ मिलकर के उक्त घटना को अंजाम दिया है। पूछताछ में घटना से संबंधित जो आला कतल चाकू है, वह भी अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर लिया गया है। घटना से संबंधित दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।